अब आइए नेक्स्ट जो इसमें अभी तो आपने देख लिया कि हम प्रोविजन करेंगे, जो कम पड़ गया उसको तो वो डिफेंसिव फाइनेंसिंग हुआ। अरे फाइनेंस कहां कहां से होगा, कहां कहां से आप उस रुपये को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग, कहां कहां से ये आपके पास सोर्स कहां कहां से आएगा। तो गवर्नमेंट को डिफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए पहला सोर्स है लोन लेता है, कहां से, सेंट्रल बैंक इंडिया का क्या है, पब्लिक को अगर रुपया का कमी पड़ेगा तो कहां से लोन लेगा, बैंक से। क्रिएशन ऑफ एडिशनल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, लीगल ज्यादा रुपया छपाएगा वहां से पूरा हो जाएगा, लीगल टेंडर मनी। याद होगा आपको डेढ़ दो साल पहले गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने अचानक एक भाषण दिया था कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर मनी नहीं है, मतलब 500-1000 के नोट आज से रद्दी हो गए। यहां पर बोल रहा है क्रिएशन ऑफ एडिशनल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, क्रिएट करेंगे, क्रिएट कैसे होगा, छपाना पड़ेगा। यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मान लीजिए जो कमी, अगर रियल लाइफ में आप कम कमाते हो, ज्यादा खर्चा है, तो क्या करते हैं, जो आपके पास बचे हुए फंड है उससे आप यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी उसी से यूज करेगा, लिखा हुआ है ना, यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट वंस डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, जो आज के गवर्नमेंट कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वही कर रहे हैं। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, रियल लाइफ में मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा ही चलता रहा, फंड भी खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, आपके पास जो एसेट्स है उसको बेचेंगे। अगर आपके पास चेन है उसको बेचेंगे, घड़ी है उसको बेचेंगे, मतलब जो गोल्ड का सामान है उसको हम लोग बेचेंगे। गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, उसको क्या कर रहा है, पब्लिक को बेच दे रहा है। गवर्नमेंट अपना शेयर किसको बेच दे रहा है, पब्लिक को, इसी को क्या बोला जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ गवर्नमेंट अपने शेयर धीरे धीरे पब्लिक को बेच दे रहा है, गवर्नमेंट कंपनी का, वहां से उसके पैसे आ जा रहे हैं। अब ऐसा सोचिए एक ना एक दिन तो वो भी खत्म हो जाएगा, तब क्या बेचेंगे, रियल लाइफ में मान लीजिए आपने घर तक भी बेच दिया तो कहां जाएंगे, रोड में आ जाएंगे। आने वाला दिन में इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास जितने भी कंपनी है बिक जाएगा, तो रुपया कहां से लाएगा, सोच सकते हैं। चलिए अभी ज्यादा मत सोचिए, अभी हम लोग को सोचना है नंबर कैसे आएंगे।